इशू और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट न्यूज चैनल। और आप सभी को जानकारी दे दे, अंबाला में पुरानी रंजिश को लेकर दो परिवारों में हुई लाठी डंडे से मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी मारपीट। पुलिस ने दोनों पक्षों के तीन तीन लोगों को किया गिरफ्तार। पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसियों में जमकर चले डंडे व बिंडे। महेश नगर इलाके के सूर्य नगर की घटना, दोनों पक्षों ने लगाए एक दूसरे पर हमला करने का आरोप। दोनों पक्ष की महिलाएं और युवक हुए घायल। पड़ोसी राम सिंह ने मंदीप पर लगाया बेटी से छेड़छाड़ करने का आरोप। सारी घटना हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने दोनों पक्षों के तीन तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया। अंबाला छावनी के महेश नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले सूर्य नगर इलाके में रहने वाले पड़ोसी पुरानी रंजिश के चलते एक बार फिर से भिड़ गए। इस लड़ाई में डंडों बिंडों का जमकर प्रयोग किया गया, जिसमें दोनों पक्ष के कुछ लोग घायल हो गए। पड़ोसी राम सिंह व उसकी बेटी ने आरोप लगाया कि पड़ोस में रहने वाला मनदीप एक शादीशुदा व्यक्ति है और वह पिछले काफी समय से उसकी बेटी पर दोस्ती करने के लिए दबाव बना रहा है। मना करने के बावजूद भी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहा है। वहीं लड़की का आरोप है कि पिछले एक साल से जब वह स्कूल में पढ़ने जाती थी तो मनदीप से रास्ते में रोककर दोस्ती करने का दबाव बनाता था, जिस पर उसे कई बार मना करने के बावजूद भी वे नहीं माना। वहीं दूसरे पक्ष मनदीप का कहना है कि देर रात इनके परिवार पर पड़ोसी राम सिंह ने पंजाब से अपने कुछ गुंडा टाइप युवकों को बुलाया। उन्होंने मोटरसाइकिल से उतरते ही उनके गेट को धकेलना शुरू कर दिया, जिस पर जैसे ही उनका परिवार बाहर निकला तो इन बदमाशों ने उनके घर वालों पर हमला कर दिया, जिसके चलते उनको, उनके छोटे भाई, उनकी पत्नी सहित अन्य महिलाओं को चोटें आई हैं। इस लड़ाई में उन्होंने बुजुर्ग महिलाओं को भी नहीं बख्शा। मेरी आप सभी से यही अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वहीं सूचना मिलने पर महेश नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों पक्षों से सीसीटीवी फुटेज बरामद किए हैं और वहीं महेश नगर थाना प्रभारी रामपाल सिंह ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद दोनों पक्षों के तीन तीन लोगों को गिरफ्तार कर कुल छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरी आप सभी से यही अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव जरूर साझा करें। क्या कुछ कहना चाहोगे इन दो परिवार जो कि पुरानी रंजिश के चलते एक दूसरे से भिड़ गए, इनको लेकर आपका क्या सुझाव है, कमेंट करके हमें अपना सुझाव जरूर दें। मेरा नाम मनदीप है जी, मेरी वाइफ रेनू है। कल इन्होंने हमारे बच्चे को पकड़ा, रास्ते में रोका और इसको मारा, और उसके बाद इन्होंने बंदे बुला लिए जो कि 6-7 लड़के थे हमारे। उसकी वीडियो भी है। इन्होंने घर से दरवाजा खोल के हमको बाहर निकाला, घरवाली के कपड़े फाड़े, घरवाली को मारा और बच्चे को भी मारा। ये है 14 साल का बच्चा जी, जिसको मारा है, जिसके हाथ पे बिंडे लगे हुए हैं। इन्होंने, उनके हाथ में चाकू था, वाइफ को, मेरी को चाकू लगा है, ब्रदर के छाती पे चाकू लगा हुआ है, वो वीडियो में सब क्लियर हुआ है जी। ये हमारे को दारू पी के गालियाँ देता है दिन रात, घरवाली को छेड़ता है, कई बार अपशब्द बोलता है, जिसके कारण इन्होंने हमारे मना करने के बाद इसने बंदे बुलाए हैं और ऐसे ऐसे करके जी मरसद वारदात करी है जी। उनका कहना है कि वो लड़की को छेड़ते हैं। सर उसके खिलाफ कोई भी सबूत हो, सबूत दो ना, हम तो सबूत दे रहे हैं सर हर चीज़ का। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमारे पास प्रूफ है, हमारे बच्चे को मारा था, हमारे पास उसके भी प्रूफ हैं। ये सिर्फ एक ये केस से बचने के लिए एक झूठा आरोप लगाया जा रहा है ताकि इनके केस को कमज़ोर कर दिया जाए और कानून की नज़रों में, समाज की नज़रों में अच्छा बना जाए। क्या चाहते हैं? हम कानूनी कार्रवाई चाहते हैं सर, जो हो कानूनी कार्रवाई हो, सबूत के आधार पर हो। राम सिंह है, सन ऑफ श्री अमर सिंह, सूर्य नगर 1440 वो। सर एक्चुअली ऐसी बात है सर, कल मैं लेबर को छोड़ने जा रहा था घर से, मेरे घर में काम लगा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। मैं जैसे लेबर को छोड़ने घर से निकला, इनका एक बच्चा ध्रुव वो रास्ते में आ रहा था, मैं काम लेबर को छोड़ने यहाँ जालबाद चौक में आ रहा था। उसने सर घर जाके बोल दिया भी मेरे को राम सिंह अंकल ने बहुत मारा पीटा है। मैं जैसे ही गांव से बाहर निकला अपने, मेरे बच्चों ने मेरा फ़ोन किया, पापा इन्होंने ये ऐसे ऐसे करके बोल रहे हैं, गाली गलौज कर निकाल रहे भी, तूने इनके बच्चे को मारा है। हाँ बेटा मैंने किसी को नहीं मारा, तुम ऐसा करो। तो मैंने सर अपने बवाल में आते जो लेबर थी मैंने उसको रस्ते में उतारा, मैं भाई तू जा पैदल, मेरे घर में प्रॉब्लम होगी। सर जैसे ही मैं घर पहुँचा सर,
हैं। इनका बड़ा लड़का संजू था जो वो रस्सी ले रहा था, उसे आती मेरे सर गले में रस्सी डाल दी और सर ये देखो निशान यहाँ पे हैं, मेरे को नीचे खींच के गिर लिया। मेरी बेटी बीच में आई सुमन, उसको पिटा सर उन्होंने। सर एक्चुअली सर जो हमारी पुरानी रंजिश है सर, मेरी बेटी है सर, ये उसका जो लड़का है मनदीप है, ये सर कई सालों से उसको परेशान कर रहा था। मैं सर इस चक्कर में यहाँ मकान भी छोड़ के किराए पर निकल गया, जब मेरे किराया पूरा नहीं पटा सर, तीन बच्चे हैं सर मेरे, खर्चा मेरा नहीं, मैं वापस आ गया सर। मेरे को बोला भी तुम ऐसा करो, तुम्हारा जो गेट है ना इसको अलग कर दो वहाँ से, इधर ले आओ सर। मैंने गेट तोड़ के इधर साइड में कर रहा, मिस्त्री मेरे घर पर लग रहा है। फिर कल सर क्या हुआ, जो भी है मेरे को अभी मैडम गए, मेरी बेटी ने उसको बताया मैम ऐसा है, मैं कल दुकान पर गई थी, इनके लड़के ने मेरे साथ छेड़छाड़ी करी और मेरे को डरा धमकाया। फिर उसने मेरी बेटी ने सर मेरे बहन के लड़के को बताया, मेरे को नहीं सर कोई बात बताई उन्होंने, क्या बात है बस ये बात थी सर। तो इन्होंने मारपीट शुरू कर सर मारपीट शुरू कर दी सर, मेरी बीबी के हाथ पे चाकू पता नहीं क्या मारा इसने, मेरा भांजा है सर उसको पूछने के लिए गया भी क्या बात है, उन्होंने गेट खोला, इनके बुजुर्ग हैं सोमनाथ जी हैं जो, उन्होंने गेट खोलते इसके सर के अंदर सर वो मारा डंडा मारा सर। दर्ज करवा दिया? हाँ जी सर, मामला दर्ज करवा दिया सर, मैं इंसाफ चाहता हूँ। इस बंदे ने सर मेरे को बहुत परेशान कर रखा है सर, दूसरे दिन का काम है, पहले सर कभी एलिगेशन लगा देते हैं, अभी हमें वाल्मीकि बोल दिया, कभी एलिगेशन लगाते हैं हमारे बच्चे को चाकू मार दिया, अभी सर दो दिन पहले मेरे बच्चे का नाम दे के गए थाने में, अभी तुम्हारे लड़के ने हमारे लड़के को बहू गए भाव पिटाए आ गए, और रात सर मेरे नाम लगा दिया भी ने पिटा मेरे को है। और सर जो मजदूर मिस्त्री हमारे घर पर लग रहे हैं वो मौजूदा गवाह हैं सर, मतलब झूठे आरोप लगाते हैं। हाँ जी सर, मेरा नाम सुमन है और ये हमारे पड़ोसी हमारे घर के जो सामने रहते हैं, ये मनदीप कुमार सन ऑफ सोमचंद्र, ये मुझे पिछले 4 सालों से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, और इसकी शादी हो रखी है और ये फिर भी मेरे को कहता है कि तू मेरे साथ फ्रेंडशिप कर, मुझे रास्ते में रोकता है और मेरे जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरे बहुत पीछा करता था, स्कूल में भी आया और फिर मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया और फिर मैं जाती भी थी, मैंने अपने पेरेंट्स को कहा मुझे स्कूल नहीं जाना और मैं किसी से कुछ बात भी नहीं करती थी, इसी कारण मैंने सिर्फ 10th class की हुई है और फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे डिप्लोमा कॉलेज में डिप्लोमा करने के लिए डाल दिया, क्योंकि मेरे पापा वहाँ पे जॉब करते हैं तो मैं अपने पापा के साथ ही आती हूँ कॉलेज और अपने पापा के साथ ही जाती हूँ, और ये अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये मेरे को जब भी मैं जहाँ भी अकेली दिखती हूँ मेरे को रास्ते में मिलता है, जो ही मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करता है, कभी कहता है अगर तू मेरे से बात नहीं करेगी तो मैं तेरे भाई को मरवा दूंगा, तेरे पापा को मरवा दूंगा, और फिर झूठे केस लगाते हैं। इनका एक भतीजा है वो है ध्रुव, और वो भी बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, वो भी जानबूझ के कह देता है आज मुझे इसका भाई मिला था, इसके भाई ने मुझे धमकी दे दी है और मेरे को थप्पड़ मारे, थप्पड़ मारने कोई सबूत भी होएगा सबूत कोई देते नहीं है, बस कहते थे थप्पड़ मारे हैं और फिर कहते हमारे चाकू छुरी मार दी है। और अब कल इसने मनदीप ने मेरे को, मैं दुकान पे जा रही थी, इसने मेरे को रास्ते में रोका, कहता तू मेरे से बात कर, मैंने बात करने से मना कर दिया, कह रहा अब देख कह रहा क्या होएगा, मैं क्या होगा जो तेरे को करना है कर ले, फिर कहता देख तो तुम्हारे में से कोई नहीं बचेगा, तो तेरे बाप को नौकरी से उतरवा दूंगा, तेरे भाई को जान से मरवा दूंगा है, तो तू कैसे नहीं मेरे साथ फिर बात करेगी। और फिर जब मेरे मैंने अपने पापा को बताया और फिर मेरे पापा ने उनसे बात की, बाहर गली में खड़े होकर बात कर रहे थे उन्होंने, चारों ने सोमचंद्र ने और मनदीप ने ध्रुव ने और संजू ने, इन चारों ने मेरे पापा को गले से पकड़ लिया और पता नहीं क्या गले में मारा ये, और फिर इन चारों ने वहाँ एक साइड में प्लाट खा लिया, उस दीवार के ऊपर गिरा लिया, और इन चारों ने मनदीप ने सोमचंद्र ने संजय ने और ध्रुव ने, इन चारों ने मेरे पापा के गले में रस्सी डाल दी और फिर जब हमने बचवाने की कोशिश करी तो ये देखे मेरी मम्मी के हाथ पे इन्होंने चक्कू मारा और मेरे को भी काफ़ी चोट लगी है, पर मेरे को घुम चोट लगी है छुड़वाते हुए। और फिर उसके बाद जब मैंने अपने भाई को फ़ोन करके बताया अपने बुआ के लड़के को कि हाँ मेरे इस लड़के ने मेरे साथ फिर से छेड़छाड़ किया है, तो वो आया और फिर उन्होंने उनका दरवाज़ा खटखटाया कि बात करने के लिए, वो उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी, चाकू रखे हुए थे और डंडे रखे हुए थे, उन्होंने जब गेट खटखटाया बाहर नहीं आ रहे थे और फिर थोड़ा सा गेट को झटका लगा और वो एकदम से सारे जने बाहर आए, उनकी लेडीज़ भी आई और उन्होंने इतना बहुत गलत बोला और ऐसे डंडे मारे, चक्कू मारा और ईंटें फेंक के हमारे घर में मारी और बहुत ज़्यादा चोट लगी है, मेरे भाई का सिर तक फट चुका है आगे पीछे से, इनकी लेडीज़ भी नहीं हटी, इन्होंने डंडे बरसाए बहुत बुरे तरीके से।
ये जो मंदीप है इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, मुझे भी यहाँ पे रहना है इस देश में, मुझे भी तो अगले घर में जाना है कहीं। ऐसे तो किसी की दी बेटी बाहर निकल ही नहीं पाएगी जिस तरीके से ये दूसरे को टॉर्चर करते हैं। इनके भी तो अपने बच्चे हैं। और जो ये मंदीप की माँ है ये बहुत गलत गलत बोलती है, मुझे ये भी बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करती है, कहती तेरे को तो उठवा दूँगी मैं। दोनों श्रीनगर पड़ोसी थे, इनका आपस में झगड़ा हो गया था, उसमें मुकदमे दर्ज करके अपने टोटल 6 अक्यूज को अरेस्ट करके आज कोर्ट में पेश कर रहे हैं। सर कितने अरेस्ट किए थे और मतलब क्या धारा से मामला दर्ज किया? लड़ाई झगड़े का ही था आपस में, दोनों पार्टियों का एक दूसरे को पत्थरबाजी कर चोटें लगी थी, लड़ाई झगड़े की धारा में मुकदमा दर्ज करके और दोनों साइड से मुकदमे दर्ज हो गए थे क्रॉस, उसमें दोनों साइड 3-3 बंदे को अरेस्ट किया।